अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बेहतरीन जॉब वीडियो। जिन भाइयों को होटल की जॉब चाहिए थी या होटल के उनके पास एक्सपीरियंस है, उन भाइयों के लिए मैं सऊदी अरब के अंदर जॉब लेके आ गया हूँ। गाइस, सबसे अच्छी चीज़ इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, और उसकी दूसरी चीज़ कि गाइस इसकी वीज़ा कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत बहुत ही कम है। आप सोचेंगे नहीं, मैंने इतनी वीडियोस बनाई, तकरीबन 200 के करीब मेरी वीडियोस हो गई हैं जिसमें मैं बहुत सारी जॉब्स के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मैंने इतने सस्ते वीज़े की जॉब वीडियो आज तक नहीं बनाई है। और गाइस, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए सऊदी अरब जाने का। इसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप आते हैं मेन टॉपिक पर। तो गाइस, आपने क्या करना है, मेन टॉपिक वीडियो का नहीं है, मेन टॉपिक ये है कि गाइस, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और डेली जॉब्स अपडेट के लिए, कतर की इन्फॉर्मेशन के लिए, गल्फ जॉब के लिए और यूरोप वर्क परमिट के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। और ख़ास तौर पर मैंने अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए फेसबुक पेज बनाया है जिस पर मैं वो जॉब्स अपडेट करता हूँ जिनकी वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स आती हैं गाइज, मैं वहाँ पर डेली नहीं, हर घंटे के हिसाब से जॉब्स अपडेट करता हूँ। तो गाइज, मेरा फेसबुक पेज करना, विजिट करना मत भूलें, और आए जाएँ, वहाँ से फ़ायदा उठाएं। और जो पाकिस्तानी भाइयों को गल्फ के अंदर जॉब चाहिए, यूरोप के अंदर जॉब चाहिए, वो मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को लंबी नहीं करते, सीधा टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो गाइज, मदीना मुनव्वरा के अंदर 4 और 5 स्टार होटल को 100 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, यानी कि 1000 नहीं 100 लोगों की ज़रूरत है, 100 लोगों की ज़रूरत है गाइज, 100 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। जिन भाइयों का होटल का एक्सपीरियंस है वो भी जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और जो है एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक्सपीरियंस वाला होगा तो उसका प्लस पॉइंट होगा उसको वीज़ा लगने के, और यानी कि सिलेक्ट होने के ज़्यादा चार्जेज हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू वाला वीज़ा है, बगैर इंटरव्यू और CV सिलेक्शन वाला नहीं है। तो उसके जिसके पास होटल का एक्सपीरियंस होगा उसको ज़्यादा चांसेस है। अब गाइस के बात कर लेते हैं एज की। तो गाइस, 22 से लेकर 35 तक कर सकता है, लेकिन गाइस आप गुड लुकिंग हो, 35 वाले भी गुड लुकिंग हो, 22 वाले भी गुड लुकिंग हो, क्लीन शेप हो, उनकी लैंग्वेज अच्छी हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, इंग्लिश आनी चाहिए। गाइस, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि बगैर इंग्लिश के ये वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छी नहीं तो बुरी नहीं, लेकिन मीडियम इंग्लिश आपको आनी लाजमी है, समझ रहे मेरी बात, इंग्लिश आनी लाजमी है, थोड़ी बहुत नहीं लेकिन थोड़ी बहुत से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि होटल की जॉब है। अब जा बात कर लेते हैं कि जॉब कौन कौन सी। तो गाइस, जॉब है क्लीनिंग की जॉब है, रूम सर्विस की और बेल बॉय की, ये 3 जॉब्स हैं। हो सकता है कि तीनों को एक ही जगह पे करें, और हो सकता है कि तीनों को अलग अलग करें, यानी कि क्लीनिंग की जॉब के इंटरव्यू और रूम सर्विस को सबको एक जगह पे करेंगे, या हो सकता है सबको अलग अलग करें। तो गाइस, ये तो हो गई जॉब, एज हो गई, और कहाँ पर आई हुई है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, जो मैंने पहले बात की थी। तो गाइस, इसकी 1400 रियाल सैलरी है, सऊदी रियाल 1400, प्लस आपका फूड है और प्लस आपकी टिप है। ये जो सैलरी है ये आपकी बेसिक सैलरी नहीं है, ये टोटल आपकी सैलरी है, यानी कि ओवर टाइम वगैरह लगा के 1400 रियाल आपकी सैलरी है, प्लस फूड है और प्लस आपकी जो है टिप्स हैं। रिहाइश मेडिकल, जैसे गल्फ का होता है कि हाँ भाई, रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजरिए कंपनी होता है, कोई टेंशन नहीं है, आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, यानी कि होटल की तरफ से, रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से है, और बेफिक्र होकर इस अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करें। तो गाइज, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वहाँ आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल ले सकते हैं। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा कि आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद होगी कि ये मेरी जॉब वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे और पाकिस्तानी भाइयों को तो मैसेज पहुँचे, और जिन भाइयों ने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और गाइज लाजमी फेसबुक पेज पर विजिट करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स को वहाँ इन्वाइट करें, ताकि मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों का फ़ायदा हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद करना मत भूलें।